अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर लाला रुख मलिक है और मैं एज अ कंसल्टेंट डाइटिशियन PFRD में एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। मरहम के प्लेटफॉर्म पे आज एक क्वेश्चन आया जो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वो ये है कि एक फ़ीमेल हैं जो अभी न्यूली मैरिड है, उनकी अभी भी शादी हुई है और शी वॉन्ट टू गेट कंसीव हर फर्स्ट चाइल्ड, लेकिन वो बहुत अंडर वेट हैं जिसकी वजह से डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया है कि आप अभी जो है चाइल्ड कंसीव ना करें, पहले अपने अपने वेट को मैनेज कर लें, अपने वेट को गेन कर लें, एक हेल्दी BMI के ऊपर आ जाएं, फिर आप कंसीव कीजिएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आप अगर अंडर वेट हैं और अगर आप बेबी रिसीव करना चाह कंसीव करना चाह रहे हैं तो मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बेबी ने जैसे ही अपना वेट गेन करना है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो आपके बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं कि आपको बहुत सारे मसले हो सकते हैं। बैकबोन का मसला पूरी ज़िंदगी के लिए आपको रह सकता है और आपके जॉइंट्स जो हैं वो वीक हो सकते हैं और वो ऐसे वीक होंगे कि वो दोबारा रिकवर बहुत ही मुश्किल से होंगे। तो अंडर वेट लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत रिस्क के ऊपर आ जाती हैं, तो इनको पूरा करने के लिए आपको वेट जो है गेन करना बहुत ज़रूरी है। और वेट खाली गेन करने का मकसद ये नहीं होता कि आप हर चीज़ खा रहे हैं और आप फैट इनटेक करी जा रहे हैं। आपने खाना सब कुछ है, वेजिटेबल लेना है, मीट लेना है, फ्रूट्स लेने हैं, फैट्स लेने हैं, बट अपनी बॉडी के ऊपर फैट्स उस लेवल पे नहीं गेन होने देने कि आप ओबिसिटी की तरफ जाएं या आप अनहेल्दी वेट गेन की तरफ जाएं। तो हेल्दी वेट गेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी शामिल होते हैं। अगर आप न्यूट्रिएंट डेंस डाइट लेंगे तो ही आप अपनी बॉडी की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को ख़त्म कर सकेंगे और आप एक हेल्दी बेबी कंसीव कर सकेंगे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप हाई कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट लें। आप जितनी भी कैलोरीज इंटेक कर रही हैं, और अगर आप अंडर वेट हैं आप 500 कैलोरीज इंटेक ज़्यादा करें। अगर आप दिन में 4 दफ़ा खा रही हैं तो आप दिन में 6 दफ़ा कम से कम खाना खाएं, और आप फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का और स्मूदीज़ का और शेक्स का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। वर्कआउट भी बेहतर है, करना ज़रूरी है, वो भी एक आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। उसके साथ साथ आप जो है रोटी जो अगर एक खाती हैं तो आप उसको डेट कर दें। आप सीरियल्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा स्विच करें, क्योंकि सीरियल्स के अंदर बहुत अच्छी डेंस कैलोरीज और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपके वेट को गेन करने में मदद देते हैं। अगर आप फैट्स की तरफ हैं तो आप नॉर्मल ऑयल्स को MCTs की तरफ स्विच कर दें, जिसके अंदर ऑलिव ऑयल आ जाता है और कैनोला ऑयल आ जाता है। ये सारे ऑयल्स बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्दी हैं, आपके हेल्दी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में मदद देते हैं और आपका वेट गेन करने में मदद देती हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आपका फोलेट का इंटेक बहुत ज़रूरी है, विटामिन B12 का इंटेक बहुत ज़रूरी है, आयरन का इंटेक बहुत ज़रूरी है। तो इन विटामिंस और मिनरल्स को आप नेचुरली फूड्स के थ्रू ऐसे फूड्स का इंटेक ज़्यादा करें जो ये वाले मिनरल्स आपको देंगे, बजाय ऐसे कि आप सप्लीमेंटेशन की तरफ जाएं। और जब बेबी कंसीव करना होता है तो उससे पहले कम से कम फोलेट का इंटेक बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि वो बाद में आपके बेबी के लिए भी मसला बन सकता है और आपके भी बैकबोन को और आपके बोन मैरो को इशू कर सकता है। जिसके लिए आप ऐसे खुराक लें जो आपके जो गोश्त वाली खुराक है वो ज़्यादा लें। आप दालों का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करें, यखनी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करें, कबाब वगैरह इन चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करें, तो आप अपने आप को बैलेंस कर सकती हैं। और वेट को गेन करने के लिए आप शेक्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपनी कैलोरीज का 500 का इंटेक थोड़ा ज़्यादा कर दें, तो आपका वेट गेन हो जाएगा और आप इजीली कंसीव कर सकेंगी और मिसकैरेज के चांसेस कम से कम होंगे और एक हेल्दी बेबी प्रोड्यूस कर सकेंगी।